हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएचओ फाइंडिंग्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एंड इशू रजिस्टर के बारे में। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें किसी ने पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट्स को हम कौन से रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो आप इंस्ट्रूमेंट्स को स्टॉक रजिस्टर में लिख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो भी आपके पास कंज्यूमेबल है आप उसे भी स्टॉक रजिस्टर में लिख सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्टॉक रजिस्टर खरीदना पड़ेगा इस तरह का। और अगर आपको स्टॉक रजिस्टर खरीदना नहीं है तो आप इस तरह का फॉर्मेट स्टॉक रजिस्टर में बना सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये इंडेक्स है। यहाँ पर आपको आइटम का नाम लिखना है और यहाँ पर सामने पेज नंबर लिखना है। यहाँ पर अल्फाबेटिकली आपको आइटम का नाम लिखना है जो भी कंज्यूमेबल आपके पास है, और यहाँ पर सामने पेज नंबर। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि इस पेज नंबर पर आपने ये वाला आइटम लिखा हुआ है। अब अंदर की तरफ चलते हैं। आपके पास जो भी सामान डेड इश्यू स्टॉक में आता है, जो कई साल में खराब होने वाले आइटम है, जैसे कि फर्नीचर, तो आप उसको इसे इस तरह से एक पेज पर लिख सकते हैं। जैसे रैक हो गया, टेबल हो गया, स्टूल हो गया, थ्री सीटर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसकी डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद सामान का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जितना प्राप्ति हुई है, जितनी सामान की मात्रा लिखनी है, और यहाँ पर बैलेंस लिखना है। इसमें इशू नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इसे इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसी तरीके से है। जो सामान एक दो साल में खराब होंगे या बहुत लेट खराब होने वाले आइटम है, वो आप इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर एक ही पेज पर लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो फोलियो है ये हमने सामने उधर डाला हुआ है, जिससे हमें पता रहे कि कौन से पेज पर कौन सा सामान है। इंस्ट्रूमेंट हमने पेज नंबर 7 पर लिखा है। देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 7 पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर। ये देखिए, ये वाले आइटम ऐसे हैं जिनको हमें कंज्यूम दिखाना पड़ता है, जैसे कि सर्जिकल ग्लव्स, नॉन स्टराइल ग्लव्स। तो आपको जिस डेट में मिला था यहाँ पर उसकी पूरा बैलेंस लिखेंगे, और जिस डेट में आपने जितना इशू किया है आपको मंथ वाइज यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही देखिए डिस्पोसिरिंज, ये मैंने सिर्फ 2 महीने का लिखा हुआ है क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, बीच में कोविड आ गया था, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 महीने में कंज्यूम दिखा दिया। आपको इसे जब से मिला है आपको मंथ वाइज इसको कंज्यूम दिखाना है। सिफिलिस किट है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हमें इतनी इशू हुई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर कंज्यूम कर दिया तो यहाँ पर 0 बची। नेक्स्ट डेट में आपको इतनी मिली थी, उसके बाद अभी तक इतनी बची हुई है, मतलब ये दिसंबर में ही हमें मिली है, तो हम इसे नेक्स्ट मंथ कंज्यूम दिखाएंगे। आपको ये मंथली वाइज कंज्यूम दिखाना है। तो इस तरह से स्टॉक एंड इशू रजिस्टर बनाते हैं। अब देखिए, जैसे मलेरिया टेस्ट किट है तो इसे हम एम अल्फाबेट में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एम अल्फाबेट में लिखा मलेरिया टेस्ट किट, 19 पेज नंबर पर है। ऐसे ही सैनिटरी नैपकिन्स, तो ये हमें एस में मिलेगा। यहाँ देखिए सैनिटरी नैपकिन्स 8 नंबर पेज पे है, सर्जिकल ग्लव्स 9 नंबर पेज पर है, और सैनिटरी नैपकिन्स 13 नंबर पेज पे, और सिफिलिस किट 17 पेज नंबर पर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आसानी से। अगर आपके सेंटर पर किसी की विजिट होती है तो वो भी आसानी से देख सकते हैं कि आपने स्टॉक रजिस्टर में कौन सा आइटम कौन से पेज नंबर पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप स्टॉक रजिस्टर बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।